हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी बर्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, मैं मुश्ताक। आज हम बीसीए के सेकंड सेमेस्टर आईटी एंड ट्रेड की यूनिट नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। कोई कठिन चीज़ नहीं है इनमें, इन यूनिट में सब कुछ वही है जो हम पहले से जानते हैं, बस उन्हीं को यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करेंगे। इसका नाम है वायरलेस लैन। तो वायरलेस लैन क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वायरलेस होगा ये, और लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होगा। तो ये क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इसे हम वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। यह नेटवर्क बिना किसी कनेक्शन के संवाद करने में काम आता है, यानी कि इसमें कोई तार वार नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए वायरलेस बोलते हैं इसको अपन। जाहिर सी बात, यह नेटवर्क रेडियो और इंफ्रारेड की मदद से भी संवाद करने के लिए काम में आता है। हम सभी जानते हैं कि रेडियो तरंगें होती हैं जिसके माध्यम से हम वायरलेस कनेक्शन बना पाते हैं। यह एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन के नेटवर्क को हम काफ़ी उपकरण से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वाईफाई और ब्लूटूथ। जो वाईफाई और ब्लूटूथ हम देखते हैं वो इसी के एग्जांपल हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के ही एग्जांपल हैं। दोस्तों, ब्लूटूथ से ही हम लैन का कनेक्शन बना के उसका इस्तेमाल करते हैं। बस इस नेटवर्क की सुरक्षा इसकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो तार के माध्यम से कनेक्शन बनाया जाता है उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ पर हम कनेक्शन बनाते हैं बिना तारों के वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा। लैन में एक फ़ायदा ये भी है कि हम इसमें सुरक्षा के लिए पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसे कि वाईफाई में हम पासवर्ड लगा सकते हैं, और बिना पासवर्ड के हर कोई उसमें कनेक्शन नहीं बना सकता। और इसके बाद हम जब भी इससे इंटरनेट चलाएंगे या पासवर्ड मांगेगा, और उसके लिए तार डालने के बाद ये उससे कनेक्ट हो जाएगा और पासवर्ड को मतलब इंटरनेट को चला देगा। तो ये तो था वायरलेस लैन क्या होता है। आइए अब जानते हैं वायरलेस लैन के फ़ायदे क्या हैं। तो इसके फ़ायदे हम सब जानते हैं पहले से ही, वही फ़ायदे हैं, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बहुत तरह के उपकरणों को चलाने में लैन हमारी मदद करता है, यानी कि कई सारे डिवाइस हैं जो कि वायरलेस होती हैं, और उनको हम जैसे कि कीबोर्ड माउस आते हैं वायरलेस वाले, वायरलेस माउस, वायरलेस माइक, वायरलेस कीबोर्ड, है ना, बहुत कुछ वायरलेस आता है आजकल, तो हम उससे हम वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। तो बहुत तरह के डिवाइस को चलाने में है हमारी हेल्प करता है। लैन का सेटअप करना काफ़ी आसान होता है, इसका सेटअप केबल के द्वारा भी किया जा सकता है। हम लैन के अंदर केबल भी यूज कर सकते हैं, और वायर वाली लैन से ज़्यादा वायरलेस लैन को इस्तेमाल करना आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई भी वायर का झंझट नहीं होता है। आजकल की ज़िंदगी में लैन काफ़ी सामान्य भी है, क्योंकि यह ज़्यादातर हर जगह जैसे कि घर, ऑफिस आदि जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई समझाने वाली बात नहीं लगी मुझे इसमें। वायरलेस के नुकसान क्या हैं, अभी मैंने बताया था कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि इसकी सिक्योरिटी कोई खास नहीं है। तो लैन को हैक करना आसान है, इसलिए इसमें अच्छा सा पासवर्ड चलाना डालना हमें ज़रूर चाहिए। वायरलेस नेटवर्क हस्तक्षेप इसकी गति को और स्थिरता को बढ़ा देता है, बिगाड़ देता है। यानी कि वायरलेस में अगर हम कोई इंटरफेयर करें, यानी कि उसके अंदर कोई और डिवाइस कनेक्ट कर दी जाए, तो उस नेटवर्क की स्पीड कम हो जाती है। हमें इसके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए रिपीटर की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, जब भी किसी नेटवर्क में दूर तक हमें नेटवर्क पहुंचाना होता है तो हम उसमें रिपीटर इस्तेमाल करते हैं। और रिपीटर क्या होता है ये हमने फंडामेंटल में सीखा था। ब्लूटूथ क्या है, तो ब्लूटूथ के बारे में चलिए सीखते हैं क्या चीज़ होती है ब्लूटूथ। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए विभिन्न माध्यम लोग उपयोग किए जाते हैं, जिसमें से एक है ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक ब्लूटूथ डिवाइस को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए या आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ
तकनीक को सन 1994 में विकसित किया गया था और 1997 में जिम कॉर्डिस के विचार के आधार पर इसका नाम ब्लूटूथ रखा गया। इसके द्वारा लगभग 10 मीटर यानी कि 30 फीट के दायरे में वायरलेस कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। इसके द्वारा मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन से मोबाइल में और इसी तरह के अन्य प्रकार की डिवाइस में भी हम कम्युनिकेशन आदान प्रदान कर सकते हैं और उसे बगल वाले कमरे में भी रखे हुए प्रिंटर के द्वारा छाप सकते हैं। वायरलेस प्रिंटर आते हैं जो कि अपन अलग कमरे में रख देंगे तो हम बिना तारों के दूसरे कमरे में रखे हुए प्रिंटर से भी प्रिंट निकाल सकते हैं और ये सब वायरलेस तकनीक है। और आप देख सकते हैं मोबाइल में हॉटस्पॉट होता है जिसके द्वारा अपन इंटरनेट चलाते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर में, है ना। तो वैसे ही एक ये वायरलेस लैन तरीका है ब्लूटूथ भी, ठीक है। इसके कार्य को करने के लिए आपको कोई केबल, कार्ड या अन्य सामान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्लूटूथ रेडियो तरंगों द्वारा दो या दो से अधिक डिवाइस को आपस में जोड़ता है जिससे एक छोटे नेटवर्क का निर्माण होता है। अब ये डिवाइस इस नेटवर्क के दायरे में रहकर आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं, यानी कि जब डिवाइस कनेक्ट कर दी जाती हैं तो कनेक्ट करने के बाद ये बड़े आराम से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकती हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को ब्लूटूथ SIG स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ये नाम है ब्लूटूथ SIG का, ये कंपनी है बहुत बड़ी जो कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। इसके द्वारा ही इसे विकसित किया गया था और यही ग्रुप है जो इस तकनीक का संचालन एवं सुधार करता है तथा ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करने के लिए कोई दिशा निर्देश प्रकाशित करता भी है, यानी कि इसका उपयोग करने के लिए तरीके हैं वो भी यही कंपनी बताती है। और ब्लूटूथ के लिए कोई दिशा भी नहीं है कि हर दिशा में ये काम कर सकती है, है ना। तो इसे चलाने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो ये कंपनी ही देती है कि इस डिवाइस को इतनी दूर तक चलाना है, कैसे कनेक्ट करना है, ऐसे ऐसे यूज करना है, वो सब ये कंपनी ही बताती है। ब्लूटूथ के फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा, बिना तार के आपस में डिवाइस को जोड़ना। दूसरा, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा का आदान प्रदान करना। अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप से इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को बिना तारों के माध्यम से जोड़ना। आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में स्मार्टफोन से इंटरनेट चला सकते हैं। इस तकनीक की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है इसलिए आप दीवार के आर पार भी डाटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह अन्य वायरलेस तकनीक के मुकाबले सस्ती होती है और इसमें ऊर्जा की बहुत कम खपत होती है, इसलिए ब्लूटूथ के उपयोग से बैटरी की भी कम खपत होती है, हमारी बैटरी कम खर्च होती है। ब्लूटूथ तकनीक बहुत सस्ती है इसलिए इस तकनीक पर काम करने वाले डिवाइसेस सस्ते आते हैं और आसानी से आम लोग भी इसे उपयोग कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रखरखाव केवल एक ग्रुप द्वारा ही किया जाता है इसलिए इसकी तकनीक सभी डिवाइस पर एक समान होती है। अलग अलग कंपनी नहीं है, सिर्फ एक ही कंपनी है जो ब्लूटूथ तकनीक को बनाती है, सपोर्ट करती है, इसलिए हर तकनीक में, हर डिवाइस में, हर ब्लूटूथ डिवाइस में समान तरीका होता है, समान तरीके हैं, समान निर्देश हैं। अगर अलग अलग कंपनी इन्हें बनाती तो इनके अलग अलग तरीके यूज करने के होते, जैसे कि आईफोन यूज करने का अलग तरीका है और एंड्रॉयड मोबाइल यूज करने का अलग तरीका है, लेकिन ब्लूटूथ में ऐसा नहीं होता और लगभग सभी ब्लूटूथ डिवाइस आपस में एक दूसरे से अनुकूल होती हैं। केवल छोटे दायरे में संचार होता है इसलिए दूर स्थित डिवाइस आपके नेटवर्क से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती और बिना किसी रुकावट के आप डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपने कनेक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये तो थे ब्लूटूथ के फायदे। अब आते हैं ब्लूटूथ के क्या नुकसान हैं। तो इसका दायरा सीमित होता है, सब जानते हैं, इसलिए आप ज़्यादा दूरी तक डाटा का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और दूसरा जो नुकसान है वो भी आप जानते हैं कि ब्लूटूथ की स्पीड थोड़ी सी कम होती है, तो इसकी डाटा ट्रांसफ़र गति अन्य नेटवर्क के मुकाबले में कम होती है, इसलिए समय ज़्यादा खर्च होता है। ब्लूटूथ चलाने पर या चालू रहने पर यह आपके डिवाइस की जो बैटरी होती है उसको बार बार यूज़ करती रहती है,
अगर आपके मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन होता है तो मोबाइल की बैटरी कम चलती है, आपके मोबाइल का वाईफाई ऑन होता है तो बैटरी और कम चलेगी, आप ब्लूटूथ वाईफाई बंद कर दीजिए तो आपके मोबाइल की बैटरी ज़्यादा चलती है ना। तो ब्लूटूथ जब ऑन रहता है तो हमारे डिवाइस की बैटरी ज़्यादा खर्च होती है। तो ये कुछ नुकसान है ब्लूटूथ के। तो हमने जाना वायरलेस लैन क्या होता है और वायरलेस लैन के बाद ब्लूटूथ क्या होता है और ब्लूटूथ के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे वीडियो में जानेंगे कि वाईफाई क्या है, ठीक है। और दोस्तों मिलते रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।